आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ FSSAI में लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में। बहुत अच्छी पोस्ट पर वैकेंसीज़ निकली हैं अभी जो है। तीन तरह के पोस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि हमारे फील्ड से रिलेटेड है, मतलब कि जो बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बेसिकली इस फील्ड से रिलेटेड है। वेटरनरी, ऑयल टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड ये जॉब वैकेंसीज हैं और ऑलमोस्ट जो बायोसाइंसेज के, लाइफ साइंसेज के जितने स्टूडेंट हैं सब एलिजिबल हैं इन जॉब्स के लिए। तो टोटल लगभग 125 लगभग से 190 के आसपास होंगी ये जॉब वैकेंसीज, टोटल 180 के आसपास होंगी। तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, फ़ी कितनी है, एग्ज़ाम डेट कब से शुरू हो रही है फॉर्म फिल करने की, और किन किन पोस्ट पर निकली है, जॉब में आपका काम क्या रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं FSSAI की जो लेटेस्ट वैकेंसीज हैं 2021 की, उनके बारे में। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, टेक्निकल ऑफिसर के लिए पोस्ट निकली हुई हैं। टेक्निकल ऑफिसर के लिए टोटल 125 पोस्ट निकली हैं, 125, और इन 125 पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इनमें से किसी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास में होना चाहिए मास्टर डिग्री। अगर आप जो हैं मास्टर डिग्री करके आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन वालों के लिए आपका इसमें कुछ एक्सपीरियंस इन लोगों ने मांगा था। चलिए, मास्टर डिग्री में या तो आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या फिर आपके पास में बीई हो तो भी चलेगा, या फिर आपके पास में बीटेक हो फूड टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट में तो चलेगा, या फिर आपके पास में ऑयल टेक में मास्टर डिग्री हो, फूड प्रोसेसिंग में मास्टर डिग्री हो, या इस तरह के रिलेटेड जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उनमें आपके पास में मास्टर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ज़्यादा देखिए, कुछ चीज़ें इसमें छूट सकती हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा नीचे, और वहाँ पर इसका पूरा फुल नोटिफिकेशन के लिए लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को विजिट कीजिए, आपको कंप्लीट एलिजिबिलिटी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये टेक्निकल ऑफिसर के लिए 125 पोस्ट पर वैकेंसीज हैं। अगर मैं सेकंड नंबर की आपसे बात करूँ तो फूड एनालिस्ट, देखिए अब से एक दो दिन पहले मैं आपको बता रहा था कि आपका टॉप 5 बीएससी के बाद में मैंने जॉब्स बताई थी, तो उनमें से एक जॉब मैंने ये भी बताई थी फूड एनालिस्ट के बारे में। अगर वो वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर देखिए। टॉप 5 जॉब्स के बारे में बताया है आफ्टर बीएससी, वो काफ़ी अच्छा वीडियो है, आप उसको ज़रूर देखिए। तो फूड एनालिस्ट के लिए टोटल 4 पोस्ट निकली हैं, 4 पोस्ट में। अब इसके एलिजिबिलिटी मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, इसकी फॉर्म की फ़ी कितनी है, एंट्रेंस वगैरह ये सारी चीज़ें बताऊंगा, पहले ये बताता हूं आपको। फूड एनालिस्ट के लिए टोटल 4 पोस्ट हैं, जिसमें कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपकी मास्टर्स में, अगर आपके पास में मास्टर डिग्री है तो मास्टर में कौन सी होनी चाहिए, या तो आपकी आपकी केमिस्ट्री से हो, बायोकेमिस्ट्री से हो, या फिर आपकी माइक्रोबायोलॉजी से हो, डेयरी केमिस्ट्री से हो, फूड टेक्नोलॉजी में आपका हो, फूड एंड न्यूट्रिशन में आपका हो मास्टर डिग्री, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास में बैचलर्स डिग्री है तो बैचलर्स डिग्री किस किस में होनी चाहिए, डेयरी टेक्नोलॉजी में हो, या फिर ऑयल टेक्नोलॉजी में हो, वेटरनरी साइंसेज में हो, इसमें अगर इसमें से फूड टेक वगैरह की कोई भी आपके पास में बैचलर डिग्री है तो आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये 2 तरह की पोस्ट के बारे में बता दिया। अब थर्ड वाली जो पोस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ऑफिसर रैंक की पोस्ट रहेगी, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, CFSO जिसको कहा जाता है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो CFSO के लिए टोटल जो है 37 पोस्ट हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब आप कब दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को, तो या तो आपके पास में बैचलर डिग्री हो फूड टेक में, डेयरी टेक में, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, या फिर एग्रीकल्चरल साइंसेज में हो तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं, वेटरनरी साइंसेज में हो, या फिर बायोकेमिस्ट्री में हो, या फिर आपके पास में मास्टर डिग्री इन्हीं किसी सब्जेक्ट में हो, या फिर केमिस्ट्री में हो, मेडिसिन में हो, बायोकेमिस्ट्री में हो, मास्टर डिग्री भी होगी तो आप चलेगा इसमें। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं फिर से कहूँगा, कुछ चीज़ें छूट सकती हैं वीडियो में, आपको फुल डिटेल अगर इसकी रीड आउट करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ जाइए, आपको पूरा कंप्लीट इसकी एलिजिबिलिटी डिटेल्स मिल जाएंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट डेट्स एंड फी स्ट्रक्चर ऑफ दिस फॉर्म। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ, ये 8 तारीख 10वें महीने यानी कि
8th ऑफ अक्टूबर से इसके फॉर्म निकल चुके हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 7/11, यानी कि अगले आपका अक्टूबर नवंबर 7 नवंबर तक लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। एग्ज़ाम डेट को अभी इन्होंने नोटिफाई नहीं किया है, वो जल्दी नोटिफाई कर देंगे ये लोग, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जैसे ही आप इसमें अप्लाई करेंगे आपके पास में नोटिफिकेशन आते रहेंगे, मैसेज वगैरह आते रहेंगे। एडमिट कार्ड तो एग्ज़ाम से एक आध हफ्ते पहले आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन फ़ी कितनी रहने वाली है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये है, इन लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो इन लोगों से ज़्यादा ये लोग पैसे ले रहे हैं। एससी एसटी और जो आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं उनके लिए 500 रुपये हैं, तो ठीक है उनके लिए भी। और जितनी भी फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी से हों, चाहे वो ईडब्ल्यूएस एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड, फीमेल सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेटेस्ट वैकेंसीज, लेटेस्ट जॉब्स इन FSSAI। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर जाके पूछिए चीज़ें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। कुछ और भी क्वेरीज नहीं तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जल्दी से लाइक कर देना। इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको परचेज करने हैं चैनल के मर्चेंडाइज लाइक आई सर्वाइव्ड वर्चुअल लर्निंग, इस वीडियो के नीचे कुछ ऐसे टी शर्ट या हुडीज वगैरह दिखा रहा होगा, वो आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कूल है, पूरा कलेक्शन चेकआउट आप कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।